एलएसी पर चीन ने एक तरफ भारत को आंख दिखाया तो भारत ने भी ड्रैगन को काबू करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली। और तैयारी भी ऐसी कि ड्रैगन न सिर्फ काबू में आया बल्कि उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। साल 2020 में जब चीन ने भारत से लद्दाख में मतभेद शुरू किया तब ड्रैगन को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि भारत आगे चलकर उसके लिए इस तरह की मुसीबत खड़ी करने वाला है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर भारत ने चीन के नाक में कैसे दम कर दिया। हालिया वैश्विक राजनीति कहती है कि अगर किसी देश पर काबू करना है तो उसके लिए न सिर्फ सैन्य शक्ति की जरूरत होती है बल्कि उसके लिए कूटनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब भारत ने यही किया। एलएसी पर चीन को रोकने के लिए भारत ने इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम और अपने सबसे आधुनिक राफेल विमानों को तैनात कर दिया। अब खबर है कि भारत ने इस इलाके में स्पाइक मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। आपको बताएं तो स्पाइक मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो किसी भी टैंक या फिर बख्तरबंद वाहन को पलक झपकते बर्बाद कर सकती है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसे बस निशाना साधकर दागना होता है, लक्ष्य का पीछा कर बाकी का काम ये खुद कर लेती है। इसी कारण स्पाइक मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत कई तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जाना भी है। स्पाइक को कंधे पर रखकर लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर और ट्राइपॉड से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे सेना के टैंक पर भी फिट किया जा सकता है। इस मिसाइल को हाल ही में लद्दाख में हुए एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भी सैनिकों के कंधे पर देखा गया था। एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में देखा है, जहां अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया। जमीन के साथ साथ चीन समुद्री इलाकों में भी अतिक्रमण करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। चीन की नजर समुद्र में उन इलाकों पर थी जो व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और साथ ही जिन इलाकों में भरपूर समुद्री संसाधन मौजूद है। ऐसे में इन इलाकों में चीन के दबदबे को कम करने के लिए भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने इन इलाकों में ऐसा जाल बुना कि ड्रैगन त्राही त्राही करने लगा। आपको बताएं तो एक तरफ से अमेरिका के सबसे ताकतवर शिप के साथ अमेरिकी नौसेना और दूसरी तरफ भारत को देख चीन में खलबली मच गई। बीते दिनों इस मामले में चीन की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ये तो साफ है कि चीन के लिए भारत की क्षमताओं को कम आंकना शायद मूर्खता है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।